12 घंटे का फ्लाइट है सिडनी से। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel, This Side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really really great. तो आपको पता चल गया होगा मैं घर पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ और ना ही किसी जानी पहचानी जगह में हूँ। फिलहाल मेरे सामने इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा व्यू है, आई कांट इवन टेल यू कितना अच्छा। तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी ये व्लॉग में, इसलिए मेरे चेहरे पर अलग सी खुशी आपको दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल आपको मेरे रूम से व्यू दिखाऊंगी, कहाँ जा रही हूँ वो बताऊंगी, कहाँ पर हूँ वो बताऊंगी, रूम का टूर दूंगी। फिलहाल मैं सिर्फ अभी पहुंची हूँ, मैंने सिर्फ चेक इन किया है, नहाई हूँ एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय कॉलीग कि देयर इज़ अ बीच नियर बाय, सो दे ऑल आर गोइंग आउट, सो वुड यू वांट टू जॉइन। सो आई सेड येस आई वुड लव टू, सो आई एम गेटिंग रेडी। और पूरी तरह से रेडी हुई भी नहीं हूँ, सिर्फ मैंने अभी कपड़े पहने हैं आप देख सकते हो, और फेस बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ फ्लाइट से आई हूँ। सबसे पहले आपको व्यू दिखाते हैं, आप सिर्फ गेस कीजिए कि कौन सी लोकेशन है। सो मुझे इग्नोर करो आई नो कि मेरे सामने ये लोकेशन आपको फेल लगेगी। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? पर ऐसा नहीं है, दिस लोकेशन इज जस्ट वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सी लोकेशन मैंने फिलहाल दिखा दी है आपको, मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई जस्ट हैव 15 मिनट्स टू गेट रेडी, और बाल वाल भी नहीं सूखे हैं तो मैं पहले वो सब कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, बाय। आई जस्ट हैव 10 मिनट्स, मैंने बड़बड़ करने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट मच मेकअप। ऑलरेडी मैं फ्लाइट पर मेकअप करके गई थी एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू इट अगेन, सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सो या गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बहुत अजीब सी शक्ल लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो हाय गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और लिटरली मैंने 5-10 मिनट के अंदर ये लुक क्रिएट किया है, एंड दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे। फुल वीडियो आपको, सॉरी फुल ड्रेस आपको दिख जाएगी अगली क्लिप में। तो फिलहाल मुझे नहीं आया है कॉल, मैं वेट कर रही हूँ, इट्स बेटर कि मैं उसके रूम में जाती हूँ और देखते हैं कि क्या है, मैडम रेडी हुई है या नहीं, या फिर प्लान फ्लॉप तो नहीं हो गया लास्ट दुबई की तरह, लेट्स सी। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और ये होटल के सामने एक स्टोर है कोल्स नाम का, जहाँ पर सामान मिलता है बहुत सारा, डिपार्टमेंटल स्टोर आई वुड से, और वहाँ नहीं गई थी मैं जा रही थी बीच की तरफ, और ये रही बीच। तो गाइज, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैं पुल आउट हो गई थी, सो आई वाज डूइंग एयरपोर्ट स्टैंड बाय, और रिपोर्टिंग से एक घंटा पहले पहुंच गई मैं, 12 बजे की रिपोर्टिंग थी एंड आई रिपोर्टेड एट अराउंड 11:10 क्योंकि कैब जल्दी आ गया था, और आई वॉज क्लब्ड विद सम अदर क्रू ऑल्सो, सो वी बोथ रिपोर्टेड अर्ली। जाके ब्रेकफास्ट किया, लकीली ब्रेकफास्ट कर लिया, वरना अदरवाइज हमेशा मेरा यही होता है चलो थोड़ा रुक के खाते हैं, थोड़ा बाद में खाते हैं, बट आई डोंट नो अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि चलो अभी ख़त्म कर लेते हैं। 12 बजे जाके मैंने बीए टेस्ट किया जो हमें करना पड़ता है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, उसके 15 या 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे को पुल आउट कर लिया। कॉल आता है और बोलते हैं कि मैम आपने रिपोर्ट नहीं किया, आई सेड आई हैव रिपोर्टेड ऑलरेडी, तो एक बार काउंटर पर आ जाओ। मैं गई और बोला मैम आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना सिडनी, एंड आई वॉज लाइक हाँ सिडनी, वो बोलते हैं हाँ, तो मैंने बोला कि सर मैं तो एयरपोर्ट स्टैंड बाय करी हूँ, मैम पुल आउट हो गए हो, एंड ही वॉज स्माइलिंग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सिडनी जा रही हूँ, या तो मैं दुखी हूँ कि ओ आई गॉट पुल्ड आउट। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ पे स्टैंड बाय पे 5 घंटा बैठना, क्योंकि 12 से शाम को 5 बजे तक का मेरा स्टैंड बाय था,
उससे बेटर है कि मैं फ़्लाइट पे चले जाऊँ. बट ऑब्वियसली 12:30 घंटे की फ़्लाइट है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. बिकॉज या आई हैव डन मतलब फ़्लाइट्स, सो मेनी फ़्लाइट्स, बट 12:30 घंटे की कोई फ़्लाइट नहीं की है. हाय गाइस, शी इज़ अपूर्वा. और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था बीच पे शूज़ पहन के घूमने में, इसीलिए मैं सिडनी की सड़कों पे नंगे पैर घूम रही थी. कोई देखा होगा मेरे जैसा आपने. Thank you very much. Have a good night. Hi guys, so मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बीच पे और इस रीज़न के वजह से मैंने व्लॉग बंद कर दिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज समटाइम्स यू वॉन्ट कि तुम्हें अपनी यू नो प्रेजेंट उसमें जीना है. अगर मैं कैमरे में ही बस चिपकी रहूँगी तो जो भी करंट वहाँ पे चल रहा है ना वो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगी. सो दैट्स द रीज़न मैंने वो बंद कर दिया. तो आके मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, चेंज वेंज किया और सो गई. तो फिलहाल मैं अभी उठी हूँ और बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए खाना. आपको दिखाती हूँ क्या ऑर्डर किया है. और ऊपर से टाइम जोन वाला सीन भी बहुत है. अभी बज रहे होंगे इंडिया के ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 बज रहे होंगे, 5:30 से ज़्यादा तो नहीं होगा. और यहाँ पे बज रहे हैं रात के 10:45. तो सुबह मुझे 6 बजे उठना है बिकॉज 7:30-7:40 का कुछ रिपोर्टिंग है. ब्रेकफास्ट भी करना है तो हाफ एन आवर और जल्दी पहले जाना पड़ेगा. मीन्स आई हार्डली हैव लाइक 6-7 आवर्स टू स्लीप. और 12:30 घंटे का फ्लाइट है सिडनी से वापस दिल्ली, विच इज़ अ बिग टास्क. और आपके लिए पहले टाइम भी देख लेते हैं इंडिया का. मेरे पास वॉच है, आई जस्ट नीड टू. सो यस, दिस इज़ 5:15 इवनिंग का और यहाँ पे हो रहे हैं कितना बोला मैंने 11:40. तो भाई साहब को तो मैंने बोल दिया कि यू कैन कीप इट एट द टेबल, बट मैं टेबल पे बैठ के खाना नहीं चाहती हूँ, तो बेड पे ही फिलहाल शिफ्ट करूँगी और बैठ के खाऊँगी. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड. ये दिस इज़ कोक, $7 का कोक है ये. अब आप खुद कन्वर्ट कर लीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कितने का है. And this is the sandwich. इसका प्राइस मैं बाद में बताऊंगी आपको, फिलहाल खा लेते हैं. इतना बड़ा सैंडविच खाना कैसे है यार, ये मूवीज में देखा है मैंने बस, सीरीज में आई मीन. पैसा बर्बाद. कोक नहीं होता तो मैं क्या करती पता नहीं. क्या खाते हैं यार ये अंग्रेज लोग सच में. लेट्स डू अ क्विकली रूम टूर नाउ. सैंडविच ऑर्डर किया था उसमें से मैं एक ही खा पाई हूँ. इट इज़ नॉट गुड. आई डोंट नो अंग्रेज लोग क्या खाते हैं. ऐसा लगता है वो ब्रेड भी बासी है ऐसा लग रहा है. आई मीन इट्स सो हार्ड टू इवन च्यू. तो फिलहाल मैंने एक खाया है और कोक पिया है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. और कल सुबह 6 बजे जो उठना है तो ज़्यादा लंबा ले हुआ ये था ही नहीं कि हम लोग कहीं ज़्यादा बाहर जा सकते. सो फिलहाल जितना था वो मैंने आपको दिखा दिया. जहाँ भी मैं गई सिर्फ बीच पर ही गई थी और कहीं नहीं गई थी.
और वैसे भी पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके कुछ खाने के लिए ले लेते, बट आई ऑलरेडी हैड सम मंचीज विद मी, जो मैंने वो भी नहीं खाई है, हर फ्लाइट पे बस लेके जाती हूँ बट खाती नहीं हूँ। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, बाय।